हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। क्या दोस्तों, आप अपने रूखे सूखे बेजान झाड़ू जैसे बालों से परेशान हो? बाल बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, बहुत चीजें ट्राई कर ली, उड़े उड़े से रहते हैं आपके बाल। परेशान हो अगर आप, तो आज की वीडियो खास आप लोग के लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके ड्राई फ्रिजी बाल होते क्यों हैं, कारण क्या है, क्या कॉज है इनका होने का। क्योंकि जब तक आपको इसका कारण नहीं पता होगा, तो आप उस चीज को ठीक भी नहीं कर सकते हो। तो कॉजेस जानेंगे हम, साथ ही ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी, एक घर में आसानी से करने वाला ट्रीटमेंट जिसको आप करोगे और उसका पहली बार में ही आपको रिजल्ट नजर आएगा, और उससे आपके बाल हेल्दी, स्ट्रांग और मैनेजेबल और स्मूथ बन जाएंगे। तो वो ट्रीटमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, और मंथ में कितनी बार आपको करना है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा। साथ ही मैं आपको कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो स्पेशली ड्राई फ्रिजी बालों के लिए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो पूरी देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे, जिससे अगर उन्हें भी इन रूखे सूखे झाड़ू जैसे बालों की प्रॉब्लम हो तो उन्हें वो स्मूथ, शाइनी और मैनेजेबल बना सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर किसी बीमारी की, अगर हम उसकी जब पहली शुरुआत हो रही है तब से ही ट्रीटमेंट दे लें तो वो बीमारी बढ़ती नहीं है, ठीक हो जाती है। इसी तरीके से हमारे बालों के साथ है। अगर आपको लग रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रिजी होने लगे हैं, तो उनको अगर आप शुरुआत में ही कंट्रोल कर लोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल ज्यादा डैमेज नहीं होंगे। और दोस्तों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बाल रूखे सूखे बेजान हैं, वो टूटते बहुत ज्यादा हैं, हेयर ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स और हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप चाहते हो आपके बाल हेल्दी, स्ट्रांग बने रहें, खूबसूरत बने रहें, तो इनका ध्यान रखो और अच्छी सी केयर करो। सबसे पहला कॉज तो यही हो गया, जो लोग अपने बालों पे ध्यान नहीं देते हैं उनके बाल जल्दी ड्राई, फ्रिजी और डैमेज होते हैं। दूसरा कारण ये है, जो लोग सही हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, हेयर पैक, हेयर कलर, ब्लीचेस यूज करते हैं, तो अगर वो बहुत ज्यादा केमिकल से भरे हुए हैं तो आपके बालों से मॉइस्चर छीन लेते हैं, डैमेज कर देते हैं बालों को और ड्राई फ्रिजी बना देते हैं। तीसरा कारण बहुत ज्यादा कॉमन है, आजकल सब लोग हेयर स्ट्रेटनिंग या कर्लर यूज करते हैं, जिसकी वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आपको यूज करना है, ओकेजनली यूज करिए, डेली यूज ना करें, इससे भी बाल ड्राई डैमेज हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हमारी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होती है और हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं डैंड्रफ है इसलिए इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, मगर डैंड्रफ होती नहीं है क्योंकि स्कैल्प हमारी ड्राई हो रही होती है। तो ड्राई स्कैल्प की वजह से भी आपके बाल ड्राई होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अगर मॉइस्चर नहीं होगा आपके स्कैल्प पे तो बालों में भी मॉइस्चर कहां से आएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, स्कैल्प ड्राई ना रहे। एक और कॉमन कॉज है जो है एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर जैसे आप बहुत ज्यादा धूप में घूमते हो उससे भी बाल ड्राई होते हैं, और आपके पानी में जो घर में आता है उसमें क्लोरीन ज्यादा है उससे बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, सॉल्टी वाटर आता है हम उसे यूज करते हैं बालों के लिए, तो इससे भी हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई होने लगते हैं, फ्रिजी होने लगते हैं। एक और कॉमन फैक्टर है जो बालों पे बहुत ज्यादा असर डालता है, जो कि है आपकी डाइट, आपका खाना। अगर आप अच्छा बैलेंस्ड डाइट नहीं लोगे तो वो बालों पे नजर आता है, जिसमें आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ना हो। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, खाने पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ के साथ साथ बाल और स्किन भी हमारी खाने की वजह से ही ग्लो करती हैं, अच्छी और सुंदर दिखती हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, या आप कोई दवाइयां ले रहे हैं उसकी वजह से भी ड्राइनेस आ जाती है बालों पे, तो वो भी आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए क्या चीज हमें सूट कर रही है और किस वजह से हमें इन सारी चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, आपने कारण तो जान लिए किस वजह से आपके बाल रूखे सूखे बेजान हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो जो कारण मैंने बताए हैं वो कॉमन कॉजेज हैं, इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप जानो, उसको ठीक करो। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि आप घर में ट्रीटमेंट कैसे करोगे अपने बालों को स्मूथ, मैनेजेबल बनाने के लिए।
बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है जो कि है हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। हम अपने बालों पे उसको करेंगे। उसको करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको, ये आप जरूर करिए और अपने बालों को हेल्दी स्ट्रांग बनाइए, फ्रिज फ्री अपने बालों को कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप अपने बालों को वॉश करने जा रहे हो, हमेशा अपने बालों को कॉम करके जाना चाहिए। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपने कॉमिंग कर ली, अब आप तैयार करोगे अपने लिए एक अच्छा सा ऑयल जो कि ड्राई फ्रिजी डैमेज बालों के लिए है स्पेशल। तो इसको कैसे तैयार करना है, सबसे पहले आप एक कटोरी ले लो, उसमें आप डालो 2 चम्मच कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, फिर आप इसमें डालो 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। अब आप इसको डबल बॉयलर मेथड में, जो हम मैं दिखा रही हूँ डबल बॉयलर मेथड जो होता है, यानी गर्म पानी में उस कटोरी को आप रखेंगे और इस ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे जिससे कि ये मिक्स हो जाए दोनों ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा 1-2 मिनट में ही, फिर आप इसमें 1 चम्मच डालोगे एलोवेरा जेल और इसको अच्छे से मिक्स करना। इंग्रेडिएंट्स आप बढ़ा और घटा सकते हो अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। जब आपका ये ऑयल तैयार हो जाएगा, फिर इसको आप पहले अपने स्कैल्प पे लगाओगे, फिर बालों की लेंथ पे लगाओगे, पूरी लेंथ पे। टिप पे भी अच्छे तरीके से लगाना है क्योंकि टिप बहुत ज्यादा रूखी सूखी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अच्छे तरीके से लगाने के बाद आप अपने बालों में इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दोगे। उसके बाद आप आओगे तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है स्टीमिंग। हेयर स्टीमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है रूखे सूखे बालों के लिए। ऐसा नहीं है आपको मार्केट जाके बड़ा सा एक हेयर स्टीमर लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। घर में आप स्टीम ले सकते हो, गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में टॉवेल या टी शर्ट, कोई पतला कपड़ा आप डालो, उसको स्क्वीज कर लो और अपने बालों पर रैप कर लो। जब टॉवेल हल्का सा आपको लगे ठंडा हो गया, फिर दोबारा से टिप करो, फिर अपने बालों पे लगा लो। 2-3 बार आप इस तरह करोगे तो आपके बालों में जो ऑयल है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्कैल्प में अच्छे से चला जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके रूखे सूखे बालों के लिए। 4th स्टेप में जब स्टीमिंग हो गई, फिर आप अपने बालों में शैम्पू कर सकते हो। शैम्पू ऐसा होना चाहिए जो ड्राई हेयर के लिए हो, केमिकल फ्री हो, सल्फेट फ्री हो, आपके बालों से मॉइस्चर ना खींचे बल्कि आपके बालों को मॉइस्चर दे, हाइड्रेशन दे। तो शैम्पू कंडीशनर करेंगे आप, लेंथ में लगाएंगे कंडीशनर और बस नेचुरली अपने बालों को सूखने दीजिए। इस हॉट ऑयल ट्रीटमेंट को आप हफ्ते में एक बार जरूर करें अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में हैं, नहीं तो 15-15 दिन में आप इसको कर सकते हैं। मगर पहली बार में ही आप इसका रिजल्ट देखोगे, आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे, सॉफ्ट महसूस होंगे। और अगर मैं बात करूं कि ड्राई बालों के लिए कौन सा आप शैम्पू यूज कर सकते हो, तो मैं जो यूज कर रही हूं आजकल और जो न्यू लॉन्च है, क्योंकि अब मैं YouTube पर आपके साथ चीजें शेयर करती हूँ तो नई नई चीजें भी मुझे ट्राई करनी पड़ती हैं, तो मैंने इस्तेमाल करके देखा है वाव स्किन साइंस का ये वाला शैम्पू। ये शैम्पू है मैंगो पल्प शैम्पू और आप सबको पता है वाव स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, कलर फ्री होते हैं। और मैं इसको आपको इस ब्रांड को कई सालों से रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल भी आपके बालों को ड्राई नहीं करता। और सबसे अच्छी बात ये है, ये स्पेशली ड्राई स्कैल्प के लिए है और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं तो उनके लिए भी है। दोस्तों वाव स्किन साइंस मैंगो पल्प की आपको पूरी एक रेंज मिल जाती है जिसमें शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क आता है। आप चाहे तो ये तीनों ले सकते हैं या फिर एक एक अलग भी ले सकते हैं। मेनली इस प्रोडक्ट में मैंगो एक्सट्रैक्ट है। मैंगो एक्सट्रैक्ट रिच होता है मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी में, जो कि आपके स्कैल्प के सीबम को बैलेंस करता है, बालों की जड़ों को मजबूती देता है और डीप कंडीशनिंग करता है बालों को। और ये आपके बालों में स्मूथनेस और शाइन देता है क्योंकि इसमें नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। आपके बालों को हाइड्रेट रखता है, स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और हमारे बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। इस हेयर केयर रेंज को मैंने ट्राई करके देखा, वाकई में मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ महसूस हो रहे थे, फ्रिजीनेस बिल्कुल चली गई थी। और इसको हर कोई ट्राई कर सकता है, मैन वुमेन कोई भी, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। दोस्तों हेयर मास्क में भी वही सारे इंग्रेडिएंट हैं जो शैम्पू कंडीशनर में हैं। इसमें भी विटामिन, मैंगो एक्सट्रैक्ट, मैंगो बटर है जो कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बनाने में हेल्प करता है, रिपेयर करता है हमारे डैमेज बालों को। साथ ही इसमें स्वीट आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल के साथ साथ फैटी एसिड्स, विटामिन्स मिलेंगे। हेयर मास्क लगाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप अपनी हेयर लेंथ में लगाएंगे और कम से कम 20-25 मिनट रखेंगे, फिर अपने बालों को धो लेंगे। और वाव स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है, आपको बॉटल पे ही
एक QR कोड मिलता है जिसको आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हो और चेक कर सकते हो इसकी ऑथेंटिसिटी कि ये ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। साथ ही इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने आपको नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, लिंक चेक कर लेना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो इसको एक लाइक तो जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कैसी लगी और शेयर करना नहीं भूलना इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।